आ जाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट का तर्जुम थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास? मुझे बात करनी है तुमसे। मेरी वाहिद तरजीह यूसुफ है। मैं जो भी करती हूं उसी के लिए करती हूं। नौकरी भी उसी के लिए कबूल की है। लेकिन तुम्हारे और सलीम के दरमियान की इस रंजिश की वजह से अगर यूसुफ को तकलीफ होती है तो ये मुनासिब नहीं। मुझे कुछ और करना होगा। यूसुफ के ये बचपन के दिन किसी भी परेशानी से पाक हो, इससे ज्यादा और क्या चाह सकती हूं मैं? और जहां तक सलीम की बात है, वो तो मेरे घर के फर्द की तरह है, भाई की तरह है। लेकिन अगर मेरा ख्याल रखने की वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। यमान, माजरत, मैं बाद में आती। जरूरत नहीं, मैं बस जा ही रही थी। मैंने मीटिंग के लिए जगह मुंतखब करके रिजर्वेशन करवा ली है। वो बेहतरीन जगह है जिससे स्पैनिश पसंद करेंगे। अगर तुम्हारे जहन में कोई जगह है तो तुम बता दो। जो मुंतखब की वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमें कॉन्ट्रैक्ट का तर्जमा मिलकर देखना चाहिए। क्या कॉफी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। आज मैं चाय लेकर आया हूं। शुक्रिया। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में कड़वी बातें करता हूं, मगर यकीन करो, कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हारा दिमाग तेज और यादाश्त बहुत अच्छी है। इसके अलावा तुम पुरखलूस और साफ दिल की हो। तुम जो खाने बनाती हो वो बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। एक अच्छी शेफ हो। मैं ये सब तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा, पूरी संजीदगी से कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर तुम एहतियात से काम लो, मुझे गौर से सुनो, तो हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुम्हें वेयरा हाउस में अपने पीछे आते देखकर मैं वाकई डर गया था। देखो, मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था।
अंकल ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरा, शायद आंटी क्या खुश ना होता। तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं उनका ख्याल रखूं जो मेरी परवाह करते हैं। मिसाल के तौर पे तुम मेरे अंकल के लिए बहुत ज्यादा खास हो, इसलिए मुझे तुम्हारी भी हिफाजत करनी है। अब तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने आप को हर किस्म की मुसीबत से दूर रखोगी, समझ गई? ठीक है, लेकिन फिर मुझे दखल देने वाली नहीं कहोगे? डील हो गई। और ये रहा हमारी स्टील का गिफ्ट। ये तो मेरी पसंदीदा टॉफियां हैं, कहां से ली तुमने बताओ? कहावत है, सवाल ना पूछो और झूठ ना सुनो। सुलह हो गई? आप और मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो यहाँ सिर्फ एक शहजादा नजर आ रहा है, और वो भी बहुत प्यारा सा शहजादा। चलो इसे इस फ्रेम में लगा देते हैं। आ जाओ, शाबाश। ये वाली लगा दें क्या? ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। तकरीबन दोपहर हो गई है अली साहब। अंकल, दोपहर हो गई है क्या? देखो भाई, अगर तुम दोनों में लड़ाई भी है ना, तो खाने की मेज पर साथ वक्त पर ही बैठना होगा। यहां के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तुम मेज पर भी मुंह बनाकर बैठ सकते हो। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है कि हम। चुप हो जाओ, अब यहां तुम दोनों को मुझे रोज बारी बारी बुलाना पड़ेगा है? बताओ। उस्मान अंकल, कल कुछ ऐसा था मगर। अरे छोड़ो, कोई अगर मगर नहीं चलेगी। मैं इस घर में कोई हंगामा फसाद नहीं चाहता हूँ, ये बात अच्छी तरह समझ लो। अरे तुम दोनों ये तो देखो कि तुम अपने कमरों से निकले कब हो। अच्छा, कल रात मुझे देर से नींद आई और मैं जाग नहीं सकी। ठीक है मैडम, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। और फिर आँख नहीं खुली? क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है अली साहब? मैं भी। ऐसी अजीब बात है, कभी ये नहीं उठती और कभी तुम नहीं उठते।
तुम्हारा आपस में जो भी इशू है मुझे तंग नहीं करोगे, समझ गए अच्छी तरह तुम दोनों? अंकल गुस्सा करने की बजाय हमारी बात सुन ले तो। मेरा जितना दिल चाहेगा मैं बरसूंगा, मुझे तो पागल बना के रखा हुआ है तुम दोनों ने। अल्लाह अल्लाह, इससे पूछूं तो ये कहती है मुझे भूख नहीं है और तुम उठकर कमरे में चले जाते हो। अंकल आप पहले हमारी बात तो सुन ले। मैं नहीं सुनूंगा और मैं सुनना भी नहीं चाहता। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से, चलो चलो, ताजा हवा में एक दूसरे के सामने बैठो, अच्छी अच्छी बातें करो और आपस में सुलह कर लो। चलो जाओ, शाबाश जाओ जल्दी। मैं अपने घर में ऐसे लटके हुए चेहरे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो फौरन चलते चलो, चलते चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, सुलह करने से पहले वापस मत आना। चलो चलो बाहर जाओ। इन्होंने तो हमारी एक भी ना सुनी। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है। मैंने क्या किया है? अगर तुम नखरे नहीं दिखाती और अपने कमरे में न जाती और ये ना कहती कि तुम्हें भूख नहीं है तो ये सब कुछ ना होता। मुझे पूरा यकीन है अंकल यही सोच रहे हैं। जिस दिन हम नाश्ते पर नहीं पहुंचते अंकल परेशान हो जाते हैं लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। हेलो अली जान, तो आज हम मिल रहे हैं ना? आज मेरी एक हेयरिंग है, जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तुम्हें कॉल कर लूंगी, फिर हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ वो मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, वो मुझे ये कहना था कि आज भी कुछ मसरूफ हूँ, मिलना कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम बाद में मिल लेंगे। अपना ख्याल रखना। सी या। कुछ ना कुछ तो चल रहा है मगर क्या। अदालत साहिबा। हाँ आओ सहर। उस दिन पार्टी पे बहुत थक गए होंगे आप लोग, शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला इसलिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, यादगार लम्हा है ये जिंदगी का, देखो ना कितना खूबसूरत है। तुम्हारा शुक्रिया सहर, तुम्हारा भी शुक्रिया नन्हे शहजादे। हाय सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना खाला। ये तस्वीर दीवार पर ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ इसे रोज देख सकूं। वैसे आज आप काम पर क्यों नहीं गई? कुछ अरसे के लिए काम से ब्रेक लेने का सोच रही हूँ। सब ठीक तो है, क्या कुछ हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी। सलीम कैसी हो सहर, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही अहम बात है। कोई मसले की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं भी चाह रही थी कि तुमसे बात करूं। ठीक है अच्छी बात है, तो फिर ऐसा करते हैं कि 2 बजे सुराला रेस्टोरेंट में बैठकर आमने सामने बात करते हैं। वैसे हम वहां टेस्टिंग के लिए जाएंगे और वहीं पर बातें भी कर लेंगे। ओके चलो मिलते हैं फिर। ठीक है मिलते हैं फिर 2 बजे। यूसुफ मेरी जान, एक काम आ गया है जरूरी, जब तक मैं वापस आती हूँ क्या तुम इकबाल साहिबा के साथ खेलोगे? ये भी कोई कहने की बात है, हम यहाँ मौजूद हैं ना, ठीक है? मगर जल्दी वापस आइएगा, ठीक है? ठीक है बहुत देर नहीं करूँगी। चलो यहाँ आओ, साफ करना शुरू कर दो एक एक करके सबको, इसमें कोई कंकरी नहीं होनी चाहिए। चलो एहतियात से देखो। हाँ मेरे शहजादे ध्यान से। कैसे हैं आप आरिफ बाबा? मैं ठीक हूं बेटा, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। मैंने तुम्हें बहुत अरसे बाद देखा, याद आ रहे थे तुम। वाकई बहुत अरसा हो गया, काम की वजह से आने का मौका ही ना मिल सका। कोई बात नहीं। ये किराज है, मेरे अंकल की पुरानी स्टूडेंट, अब अंकल की देखभाल के लिए हमारे पास रहती है। क्या ऐसा है? खुश आमदीद बेटी।
आपका शुक्रिया। अरे इसकी जरूरत नहीं, भूख लगी है क्या? बिल्कुल अंकल, मुझे तो आज बहुत भूख लगी है। आप हमारे लिए कबाब और लस्सी ले आइएगा। अंकल जल्दी से ले आए। जाओ बैठो। आरिफ बाबा, किरास के लिए दो बना दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। तुम इतना खाना क्यों मंगवा रहे हो? मैं नहीं खा सकूंगी। तुम मेरे साथ खा सकती हो। शाबाश मेरी चांद यूसुफ। देखिए अदालत आंटी, यूसुफ ने सूप भी खत्म कर लिया। बहुत खूब मेरे नन्हे शहजादे, कैसा रहा? कुछ मजा आया? डार्लिंग, अब हम इसके बाद पास्ता खाएंगे। मिसेस इकबाल, मैं जिया साहब को चाय देकर अभी वापस आती हूँ, ठीक है? जरूर। इकबाल साहिबा, मैं जा रही हूँ। क्यों नहीं सर, तुम जाकर बस अपना काम करो और यूसुफ की फिक्र नहीं करना। यूसुफ मेरी जान, थोड़ी देर में आती हूँ मैं, ठीक है ना? तुम इतनी देर में ठीक से खाना खा लेना और आंटी को तंग नहीं करना। आपने कहा कि आप जल्दी वापस आ जाएंगी। बिल्कुल मेरी जान। सहर, सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया अचानक? पता नहीं बेध्यानी में इस पे मेरा हाथ लग गया। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ उसे। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। क्यों फिक्र कर रही है? मैं ऊपर जाके चेंज कर लेती हूँ। माफ करना मेरी जान। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। यूसुफ मेरी जान, तुम जल्दी से खाना खाओ, मैं बस कुछ ही देर में वापस आती हूँ। ये लो बेटा। ये बहुत लजीज है, शुक्रिया आपका। खाओ बेटी, एंजॉय करो। तुम्हारे अंकल कैसे हैं? उनकी सेहत तो ठीक है ना पहले से? वो बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। पिछले दिनों कुछ परेशान थे, मगर खानों का जायका बहुत उम्दा है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या खास अज़ा शामिल है। हाँ, I'm sorry. मैं अपने कबाबों की रेसिपी अपने दोस्तों को नहीं देता कराज बेटी। हाँ, ऐसा क्यों है? अगर इन्हें दे दूंगा तो ये अपने घर पर बना लेंगे, फिर वो दोस्त यहाँ ना छोड़ देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो आते रहें ताकि हम कुछ बातें करें। मैं रेसिपी को किसी राज की तरह रखता हूँ। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। आ जाए सहर मेरी जान। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो गई थी मेरी जान कि तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े हैं भी नहीं, अब तुम क्या पहन कर जाओगी? इसलिए जुहाल के वार्डरोब से ये ड्रेस लाई हूं तुम्हारे लिए। इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। सहर, जरूरत है तुम्हें इस वक्त इस ड्रेस की। देखो इस ड्रेस को, ड्राई क्लीन होके आया है, बिल्कुल साफ है। प्लीज इसे पहन लो। इकबाल साहिबा, प्लीज आप तकल्लुफ ना करें, छोटा सा हादसा ही तो था, मैं यही पहन लूंगी। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तुम्हें यही पहनना चाहिए। वैसे उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? सुराला रेस्टोरेंट है शायद। सुराला रेस्टोरेंट,
उसका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। फिर तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने काम के लिए प्रेजेंटेबल नहीं होना चाहिए। है तो, लेकिन तो फिर बस अब बिल्कुल इनकार नहीं, ये लो और इसे पहन लो। मुझे आरिफ अंकल बहुत अच्छे लगे। मैं भी अंकल की तरह उनसे मोहब्बत और एहतराम से पेश आता हूं। मैं देख रहा हूं तुम फिर से उसूल तोड़ रही हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो जाती हो? अब क्या किया मैंने? सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुमने अपने स्कार्फ क्यों नहीं पहना हुआ? तुम्हारी ऐनक भी मुझे नजर नहीं आ रही है। क्या हर बार याद दिलाता रहूं कि क्या करना है? ठीक है, मगर यहाँ मुझे कौन पहचानेगा? हद है यार, सफाई दे रही हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज फैसला हो जाएगा। आधे घंटे में कोर्ट रूम के दाखिले पर मिलते हैं। ठीक है, आप मेरा वहीं इंतजार करें। अगर हम इस मसले पर मान गए तो हम पहली डिलीवरी अगले हफ्ते कर देंगे। ये कह रहा है इनके लिए भी यही बेहतर होगा। सब अच्छा ही हो सलीम, लेकिन ऐसी जगहों पे काम मिलना आसान नहीं होता है। इतने सारे सवाल पूछते हैं ये लोग, जैसे कि कौन सा तेल यूज करती हो, कैसा ब्रांड यूज करती हो, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। जाहिर है इन्हें मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि ये कोई मामूली जगह नहीं है, मगर इन्हें तुम्हारी एपेटाइजर बहुत पसंद है और मुझे यकीन है ये जॉब तुम्हारी वजह से है। यूं तो ना कहो, अगर मेरी डिशेस में कोई भी अच्छी बात थी तो वो सब तुम्हारी वजह से था। कैसे कुछ नहीं, मतलब ये सब कुछ तुम्हारी मजेदार कुकिंग की वजह से है। बैठना जरूरी है क्या? तुमने ही तो कहा था तुम्हें मुझे कुछ बताना है, और फिर मुझे भी तुम्हें कुछ बातें बतानी थी तो इसलिए तुम्हें यहां बुला लिया। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ और पहनने वाली थी लेकिन निकलने से पहले ही कपड़ों पे जूस गिर गया। इकबाल साहिबा ने अपनी बहन का जोड़ा दिया मुझे। वैसे ये सूट किसी का भी हो मगर इस वक्त तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे क्या कहना था तुम्हें? सहर, मैंने तुमसे इस बारे में काफी अरसा पहले भी बात की थी लेकिन मैं कर नहीं सका। मुझे इजाजत दें।
समझी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे निकलना होगा फौरन। डील होने पर मुबारक हो आप सबको। इससे यो रिमान तोने किसिलिश पर आप से के बोनस स्वार्थे। खबर कर देना। तो ये तुम्हारा जरूरी काम था? हाँ, अब ठीक है। वो मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि फिर से तुम कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर दो मेरे लिए। चलो साथ। क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी? सलीम, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। तुम ऐसे कहोगे मुझसे मैंने सहर, तुम शायद मुझे गलत समझ रही हो। मेरे ख्याल से मुझे इस तरह से इजहार नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है यूसुफ की वजह से। मैंने उसकी वजह से प्रपोज किया। यूसुफ? हाँ, यानी यूसुफ को पाने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और तुम्हें वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, क्योंकि तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मेरा मतलब है तुम्हें यूसुफ को हासिल करने के लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम्हें साबित करने में आसानी हो। यानी तुमने सिर्फ इसलिए? तुम यूसुफ को नहीं छोड़ सकती हो सहर। मैं जानता हूं तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। यमान जैसा आदमी तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, जो एक नंबर का अक्खड़ और बदमाश किस्म का आदमी है। मैं ये सब नहीं होने दूंगा, और मैं इसी वजह से तुम दोनों की मदद कर रहा हूं। तुम समझ रही हो ना?
तुम मुझसे शादी करोगी? मैं क्या कहूं समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी बात का गलत मतलब लिया, मुझे माफ कर दो। हाँ गलती मेरी है, मुझे तुम्हें यह बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। शुक्रिया। ठीक है तो जवाब क्या है? सलीम तुमने सोचा, शुक्रिया इसके लिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं इस फॉर्मेलिटी के लिए शादी कैसे कर लूं किसी से? तुमने पहले ही मुझे काम देकर बहुत बड़ा एहसान किया है, शुक्रिया तुम्हारा। और वो यूसुफ, उसका क्या बनेगा फिर? आज नहीं तो कल करीम अली खानदान से ले लूंगी उसे, तुम देखना। मेरी बहन की अमानत है वो मेरे लिए। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। अपनी मां से जुदा हुए उसे अभी आखिर वक्त ही कितना हुआ है, इसी वजह से उसे मेरी जरूरत है। मैं किसी भी सूरत उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। बल्कि मैं, हाँ कहो, यूसुफ को अकेला ना छोड़ने का इरादा कर चुकी हूं। मगर कैसे? अगर मुमकिन हो तो मैं घर से काम करना चाहती हूं। यूसुफ के साथ रहूंगी मैं इस तरह। सिर्फ अगर तुम्हें ठीक लगे ये, तभी। अरे बेगम क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ। तुम बस ये चाय एंजॉय करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कम ऑन बेगम प्लीज। तुम ये कैसे कर सकती हो? वो उसकी दोस्त भी हो सकती है। ऐसी कौन सी उसकी दोस्त हो गई यार? मुझे नहीं पता, शायद पुलिस स्टेशन से कोई होगी। अली की ऐसी कोई करीबी दोस्त नहीं है, पुलिस स्टेशन पर तो ऐसी कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, अली से पूछ लो वो लड़की कौन थी। तुम्हें वाकई लगता है? मैं पूछूं उससे। और तुम क्या करोगी फिर? अगर वो गुस्से में आ गया तो फिर, या मुझे इस बात का अपने तरीके से पता लगाना होगा। समंदर के पास ताजा हवा में घूमना बहुत अच्छा लगा। हाँ लेकिन बेहतरीन चीज आरिफ पापा के ताजा कबाब थे। क्या तुम आरिफ की तरफ गई थी? जी, वो बहुत बेहतरीन कबाब थे, मैंने पहले कभी नहीं खाए। तुम मुझे जरा उसके बारे में बताओ। हाँ वो आपका पूछ रहे थे, उन्होंने सलाम भी भेजा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आदमी है आरिफ। उन्हें अपने काम से मोहब्बत है, वो दोस्त भी लगे मगर उस्तादों की तरह। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही है वो, आरिफ अपने काम से बहुत मुखलिस है। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि अली से तुम्हारी सुलह हो गई, सुकून आ गया। बस दफा वो मुझे चपत लगा देता है, मगर वो है बहुत अच्छा आदमी। मैं जाके खाना बनाती हूँ। हाँ। कौन सा काम जरूरी था? हाँ आपकी शर्ट इस्तरी करनी थी शादी में जाने के लिए। तुमने अभी तक नहीं की? जब आपने हमें बाहर भेज दिया था इसलिए मैं नहीं कर सकी, अभी जाके कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ओ
अच्छा तो फिर यमान ने क्या किया? क्या करना था, उसने तूफान मचा दिया, हर किसी ने नोटिस किया। जरा तसव्वुर करें, मीटिंग के बिल्कुल बीच में जब डील होने वाली थी वो दोनों अपनी बातों में लगे थे। तो ये तो परेशानी की बात है सुहाल। तो मतलब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है। क्या मतलब सीरियस है? तुम खुद ही सोचो किस तरह से वो मीटिंग के बीच में से उठ गया था। वो शहर को हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अहमियत देता है। उस वक्त क्या होगा जब वो सलीम से उसकी शादी को रुकवा देगा? हमें यमान को हर सूरत में रोकना होगा। मैं समझी नहीं आपा, यमान जैसा आदमी वो एक आम सी लड़की के लिए कैसे फीलिंग्स रख सकता है? मामला दिल का है जुहाल, दिल का। आपको बता रही हूं मैं, उस लड़की से खौफ ज्यादा नहीं। पहली बात तो ये कि मैं उसकी तरह बिल्कुल जाहिल गवार नहीं। हो सकता है यमान को इसका अंदाजा ना हो, लेकिन उसे पता चल जाएगा। अगर रियलाइज नहीं होता तो फिर हम कराएंगे। वेल्टन माई सिस्टर, वेल्टन, एक्सीलेंट। अगर सहर और सलीम शादी कर लें तो हमारे मामलात आसान हो जाएंगे। जब तक हम दोनों बहनें एक साथ हैं तब तक हमारे सामने कोई भी ठहरने की जरूरत नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी? शादी करोगी? अचानक उठकर क्यों चले गए? नहीं बस, कोई अहम बात नहीं। तुम इस तरह कभी जाते नहीं हो इसलिए पूछा। यूसुफ की खाला शादी कर लेगी और फिर मेंशन से चली जाएगी। तो उसे निकालना नहीं चाहते अभी? जो मैं चाहता हूं उसका मसला नहीं, ये यूसुफ के लिए बुरा होगा, जो नहीं चाहता मैं। फिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं यूसुफ को हरगिज दुखी नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी? शादी करोगी?